सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको बना के दिखा रही हूँ या शेयर कर रही हूँ रेसिपी अपनी आलू चाप केले से या आलू टिक्की केले, जो बहुत ही आसान और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। तो फिर देखिए, मेरे पास 8 अदद आलू हैं, इसे मैश कर लूँगी इस तरह से। मैश कर लिए मैंने इसे अच्छी तरह से। अब इसके अंदर जाएगा ये 1 अदद प्याज है, इस तरह छोटे छोटे पीस से कट कर लिया मैंने, चला जाएगा इसके अंदर। ये कुछ मसाले हैं, ये 1 कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून ये हाफ टी स्पून है हल्दी, हाफ टी स्पून है वाइट पेपर, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच है और लाल मिर्च का 1 चम्मच है, नमक मेरे पास 1 चम्मच है, आप हसबे जायका ले सकते हैं। ये सब इसमें चला जाएगा। दो 3 चम्मच के आसपास हरी धनिया है कटी हुई, 1 चम्मच के करीब ये पुदीना है कट किया हुआ, 3 मिर्चें हैं हरी, इसे मैंने इस तरह छोटे छोटे काट लिए पीस में, ये चले जाएंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे और फिर अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे। अब इसे छोटे छोटे बॉल बना के इस तरह से आप छोटी बड़ी जिस तरह से बनाना चाहें इस तरह से इसे बना लें। देखिए माशाल्लाह से बन चुकी है, इस तरह से सारी बना लेनी है। ये 1 अंडा है मेरे पास, इसे मैं फेंट लूँगी अच्छी तरह से। पैन है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी डालूँगी। अब ये आलू की टिक्किया को इसके अंदर डिप करेंगे अच्छी तरह से। इसी तरह से सारी टिक्कियाँ जो हमने बनाई हैं इसमें ऐड कर देनी है। अब ये जैसे ही नीचे से फ्राई होंगी तो फिर इसे हम पलट देंगे। अब इसे पलट देंगे हम, माशाल्लाह देखे अच्छा सा कलर आ गया इसका। फ्राई हो चुकी हैं, अब इसे निकाल रही हूँ मैं। देखिए नीचे से ही बन चुकी है अच्छी तरह से। आप इसे चावल, रोटी, ब्रेड किसी भी तरीके से खा सकते हैं, बन के साथ बना के बर्गर भी बना सकते हैं इसका। माशाल्लाह देखें इस तरह से अच्छी तरह जल्दी फौरन तैयार हो चुकी है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ किस तरह से अंदर से ये बन चुकी है। देखें आप, माशाल्लाह देखें, ये बन वगैरह के साथ भी आप खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे बताएं कमेंट्स करके कि आपको किस तरह से पसंद आ रही है, नहीं आ रही है रेसिपी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह सबके खानों में बरकत डाले, अल्लाह सबकी खैर करे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।